Hey guys, what's up? This is Abhishek, Master Teacher of Physics at Vedantu. कैसी चल रही है मेरे बच्चों की जिंदगी? People, welcome to an amazing session जहाँ पे हम CBSE के latest sample paper को solve करने वाले हैं for the subject physics जो 2021 के लिए launch हुआ है भाई. तो आज बहुत मजा आने वाला है. आज ना ऐसे हो पाएगा कि आप लोग खुद टेस्ट कर पाओगे. एग्जामिनेशन तो अभी है भाई, बहुत वक्त अभी अप्रैल में, अभी क्योंकि अभी तो बातें चल रही कि मार्च अप्रैल में हो एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन आपका, वो मैंने कल आपको बताया था. कल आई हैव टेकन अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन ऑफ द सीबीएसई सैम्पल पेपर, द लेटेस्ट पेपर पैटर्न. यस, द पेपर पैटर्न हैज चेंज्ड और किस किस टाइप सवाल आ रहे हैं वो भी मैंने आपको कल डिस्कस करके बताया था इन डिटेल. तो प्लीज कल का वीडियो देख लेना हमारा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. वी वर वन ऑफ द फर्स्ट पीपल टू कम एंड डू इट ऑन यूट्यूब, सो मेक श्योर दैट यू आर वॉचिंग दैट सेशन. बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैंने आपको दिए वहां पे, मैंने आपको मार्किंग स्कीम भी शेयर किया हुआ है और आपको कहां से सैंपल में वो डाउनलोड करना है वो भी बताया गया है. और चाहे तो आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो हमारे सेशन का भी, तो कोई चिंता नहीं है. ठीक है, तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं फिजिक्स के उन सारे क्वेश्चंस को जो सैंपल पेपर में है. और भाई मैं क्या ही बताऊं, जो भी सारे क्वेश्चंस हैं मुझे नहीं लगता कि आपको एनसीईआरटी से बाहर पढ़ने की जरूरत ही है जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं. और ये मैंने आपको हमेशा कहा है कि एनसीईआरटी से बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं लगती है मुझे कभी. और लेकिन जब भी कोई बच्चा कहता है कि सर एनसीईआरटी मैंने खत्म कर दी तो आगे क्या करूं, एनसीईआरटी एक सिमिलर करो, उसके बाद क्या करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, उसके बाद क्या करूं, एसटेंथ कर लो अगर वक्त मिल जाए तो, वरना करने की जरूरत नहीं है. लेकिन मैंने पेपर पैटर्न देख लिया और मैंने पेपर देखा सैंपल पेपर का एंड आई वाज लाइक बिल्कुल भी जरूरत नहीं. तो आज आप लोग क्या करना ना, मैं फिजिक्स से सारे क्वेश्चन करवाऊंगा आपको और उसके बाद जब जब मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं आप लोग चाहो तो वीडियो को पॉज करो, आप क्वेश्चन करने की कोशिश करो या तो मेरे साथ करो, लेकिन कोशिश करो कि करो आप, क्योंकि आपको लगेगा आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस जो थोड़ा सा कम हुआ होगा ना बढ़ जाएगा. ठीक है पीपल, सो डो नॉट फॉरगेट टू चेक आउट द वीडियो ऑफ येस्टरडे वेयर आई क्लियरली सेड एवरीथिंग अबाउट द लेटेस्ट पेपर पैटर्न. एंड डो नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल इन केस यू हैवंट, क्योंकि ये होने वाला है हर एक सब्जेक्ट के लिए. फिजिक्स का हो रहा है अभी, केमिस्ट्री भी होगा, बायोलॉजी भी होगा, मैथमेटिक्स भी होगा, एसएसटी भी होगा. डो नॉट फॉरगेट टू डू दिस, इंग्लिश भी होगा. ठीक है, चल अब चलते हैं अभी हमारे पहले सेक्शन में जहां पे हम डिस्कस करेंगे सेक्शन ए वन मार्कर्स. एक इंटरेस्टिंग चीज हम और करेंगे, ये देखेंगे कि फिजिक्स के जो मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं वो किस सेक्शन से आए हैं, ये भी जरूर देखेंगे. ठीक है, और जितना मैंने ओवरऑल देखा हुआ है सेक्शन ए से ही सबसे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस आए हैं फिजिक्स से, यानी कि वन मार्क क्वेश्चन सबसे ज्यादा आए हैं फिजिक्स से. और उसके बाद सेक्शन बी में सिर्फ एक या दो क्वेश्चन, और सेक्शन सी में भी एक या दो क्वेश्चन, और सेक्शन डी जो 5 मार्क्स का सवाल है वहां पे भी एक दो सवाल आए हुए हैं, मतलब और में आए हुए थे तो एक सवाल आया हुआ है. तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट दैट वी ऑल अंडरस्टैंड किस कैटेगरी से आ रहे हैं, ताकि जब हम पढ़ रहे हो एनसीईआरटी फोकस ये रहे हमारा कि भाई किस कैटेगरी से, किस कैटेगरी पे ज्यादा फोकस करें. एक मार्क के ज्यादा सवाल आ रहे हैं तो एक मार्क के जरूर आएंगे. सैंपल पेपर इज अ वेरी क्लियर रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट यू आर गोना गेट इन द बोर्ड एग्जामिनेशन एज वेल. तो चांसेस बहुत ज्यादा ये होते हैं कि भाई सेक्शन ए में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए फिजिक्स से, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं. ठीक है, तो लेट्स गो फॉरवर्ड एंड सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चन. लेकिन क्वेश्चन सारे के सारे बहुत ही ईजी है भाई, चिंता बिल्कुल मत करना, मचाने वाले आप. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर वन ये रहा आपके सामने, व्हाई द सन अपीयर व्हाइट एट नून, वन मार्क क्वेश्चन. इसको लिखना है एक मार्क के लिए, मतलब एक स्टेटमेंट या एक वर्ड से ज्यादा नहीं लिखना है. ठीक है, तो क्योंकि ये जब लिखने लग जाओगे तो शायद पूरा पैराग्राफ लिख दोगे, तो कितना लिखना मैं बताने वाला हूं अभी. ठीक है, उसके अलावा बच्चों हमने ऑलमोस्ट हर एक चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है हमारे अपने यू नो वेबसाइट पे, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगा कि कहां पे जाना है. सारे प्लेलिस्ट को देखने के लिए चिंता बिल्कुल मत करना, डू नॉट वरी अबाउट इट. लेकिन पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, व्हाई डज सन अपीयर व्हाइट एट नून. क्यों भाई यार, कोई भी कलर की जब बात आती है स्कैटरिंग ऑफ लाइट का ऑप्शन आता है, करेक्ट? तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से तो भाई व्हाइट एट नून होती है, हमारा जो सन है वो व्हाइट एट नून दिखता है. लेकिन व्हाइट क्यों दिखता है, उसका जवाब बहुत ही सिंपल है. ये कहना है आपको क्योंकि भाई ड्यूरिंग द नून टाइम होता क्या, बता देता हूं. ड्यूरिंग द नून टाइम द सनलाइट हैज टू ट्रैवल द लीस्ट डिस्टेंस, द सनलाइट ड्यूरिंग द नून टाइम द सनलाइट हैज टू ट्रैवल द लीस्ट डिस्टेंस इन द एटमोस्फेयर, इसलिए स्कैटरिंग बहुत कम होती है. स्कैटरिंग बहुत कम होती है और क्योंकि स्कैटरिंग बहुत कम होती है हमें सन का नेचुरल कलर दिखाई देता है विच इज व्हाइट. स्कैटरिंग होगी तब दूसरा कोई कलर दिखाई देगा आपको, अब स्कैटरिंग हो ही नहीं रही है, लीस्ट स्कैटर्ड हो रहा है तो फिर आपको नेचुरल कलर ही दिखाई देगी सन की जो व्हाइट है. ठीक है, ये एक सवाल है. तो अब इसको कैसे लिखोगे आप, एक मार्क के लिए बस इतना लिखना है, द सन अपीयर्स व्हाइट एट नून बिकॉज द सनलाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड एट नून, दैट्स इट. उसके ऊपर कुछ नहीं लिखना है, स्कैटर वर्ड आ गया वहां पे, लीस्ट वर्ड आ गया आपके, बस इसके ऊपर नहीं लिखना है. अगर यही सवाल आपको 2 मार्क्स के लिए आ जाए फिर आप एक्सप्लेन करना, 3 मार्क्स के लिए आ जाए फिर आप एक्सप्लेन करना, वरना मत करना. 1 मार्क्स के लिए एक स्टेटमेंट बस, बच्चों 1 मार्क पूरा हुआ आपका. क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके सामने,
कितना मार्क्स हो गया अभी भाई? एक मार्क हो गया आपका फिजिक्स का, फिजिक्स का अभी तक एक मार्क का सवाल आ चुका है। अभी दूसरा सवाल, बोथ अ स्फेरिकल मिरर एंड अ थिन स्फेरिकल लेंस हैव अ फोकल लेंथ माइनस 15 सेंटीमीटर, व्हाट टाइप ऑफ मिरर एंड लेंस आर दीस? जो भी बच्चों ने हमारे रेगुलर सेशन देखे हुए हैं यूट्यूब पे, लाइट तो मैंने कंप्लीट कर दिया, और वहां पे हमने क्लियरली पढ़ा हुआ है कि भाई नेगेटिव फोकल लेंथ किसका होता है। मिरर्स में नेगेटिव फोकल लेंथ होता है कॉनकेव मिरर का, और लेंस में भी नेगेटिव फोकल लेंथ होता है कॉनकेव लेंस का। यानी कि भाई यहां पे मिरर और लेंस दोनों कॉनकेव है। कॉनकेव मिरर भी नेगेटिव फोकल लेंथ होती है, कॉनवेक कॉनकेव लेंस का भी नेगेटिव फोकल लेंथ होता है। तो बस इतना ही लिखना है, द लेंस इज द कॉनकेव लेंस, द मिरर इज कॉनकेव मिरर, दैट्स इट। नो नीड ऑफ मेकिंग एनी डायग्राम एट ऑल, बिकॉज ये एक मार्क का सवाल है। आधा मार्क्स कॉनकेव मिरर के लिए मिलेगा, आधा मार्क्स कॉनकेव लेंस के लिए मिलेगा, एक मार्क पूरे, ठीक है। सो दैट्स द थिंग, कॉनकेव लेंस एंड कॉनकेव मिरर, ठीक है बच्चों। तो हमने कर लिया अभी दो मार्क्स, कितने हो गए? दो सवाल हो गए, दो मार्क्स हो गए आपके फिजिक्स के। अब आगे देखो, थर्ड क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल भाई, 20 मिनट में पूरा फिजिक्स सवाल खत्म। समझ पा रहे हो? मतलब एग्जामिनेशन में जब ये चीजें लिखोगे, 20 मिनट आधे घंटे या 40 मिनट में पूरा फिजिक्स खत्म हो रहा है भाई, मचा रहे हो आप। मतलब देखो यहां पे, द इमेज फॉर्म बाय अ कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी रियल। क्या क्या है? द इमेज फॉर्म बाय अ कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी रियल, इनवर्टेड, अच्छा ठीक है, एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ओके, द इमेज इज एनलार्ज्ड, द इमेज इज एनलार्ज्ड। पूछा ये जा रहा है वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस, ठीक है कर लेते हैं। कॉनकेव मिरर बोला हुआ है, इसमें तो डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है, इसमें डायग्राम भी बनाओगे तो मार्क्स मिलेगा, नहीं आधा मार्क्स डायग्राम के लिए, आधा मार्क्स फाइनल आंसर के लिए। तो ये आपका मिरर है, यहाँ पे मैंने पोल डाल दिया, यहाँ पे मैंने प्रिंसिपल एक्सिस डाल दिया, ये आपका F1 है, ये आपका 2F1 है, या तो मतलब क्या लिखो, सी लिख दो, जो भी आपको कहना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखना है कि ऑब्जेक्ट को मैं कहाँ रखूँ कि इमेज आपका रियल, इन्वर्टेड एंड एनलार्ज है। यार अगर मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा तो फिर आपकी ऑब्जेक्ट, आपकी इमेज कहाँ आएगी? पता है आपको, यहाँ पे आएगी, यहाँ पे जो रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड आती है। ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा तो फिर इमेज भी यहीं बनेगी, यहाँ पे रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज आती है। अगर मैंने ऑब्जेक्ट को रखा बिटवीन 2F1 एंड F1, तब आपकी इमेज यहाँ आएगी बियॉन्ड 2F1 और बियॉन्ड C, जहाँ पे आपकी इमेज होगी रियल, इन्वर्टेड एंड एनलार्ज। बस तो जैसा मैंने हमेशा आपको कहा है, जो भी मेरे बच्चे हैं यहाँ पे यूट्यूब पे, उनको पता है कि मैंने हमेशा आपको कहा रे डायग्राम से सवाल आता है, आ रहा है ना, देख रहे हो ना, आ रहा है। तो जो जो हमने पढ़ा हुआ है बच्चों, जो जो जहां पे हमने बोला हुआ है कि भाई यहां पे बहुत फोकस करना, वहां पे हर एक जगह से सवाल आ रहा है, जैसे आप देख रहे हो यहां पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, तो 3 मार्क्स हमने कर लिया यहां पे, क्वेश्चन 3 मार्क्स हो चुका है हमारा, यू नो किसका, हमारे फिजिक्स का। अब आगे, नेम द पार्ट ऑफ अ लेंस थ्रू व्हिच अ रे ऑफ लाइट पासस विदाउट सफरिंग एनी डेविएशन। बताओ प्रिंसिपल रे से का सवाल आ गया, ये भी मैंने कहा था आपको कि भाई प्रिंसिपल रे से सवाल आता है, देखो वो भी आ गया। अब भाई भरोसा कर लो मेरे पे, मैं कह रहा हूं। हमेशा कहता सुनते नहीं आप लोग, है ना? नहीं नहीं, मुझे पता है आप लोग सुनते हो, भरोसा करते हो मेरे पे, है ना? तो देख लो, हम यहाँ पे सवाल बहुत ही सिंपल सा, नेम द पार्ट ऑफ अ लेंस थ्रू व्हिच अ रे ऑफ लाइट पासस विदाउट सफरिंग एनी डेविएशन। मुझे पता है कि अभी चैट पे यहाँ पे भाई बौखाल आ गया होगा एकदम, है ना? चैट पे तो सब कह रहे होंगे सर लाइट रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर goes undeviated, this was our third standard incident ray, जिसको हम कहते थे सर, है ना, जिसको हम कहते थे सर, standard incident ray। तो अगर आप ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू के पास करते हो आपके लाइट रे को, वो अनडिविएटेड जाती है। बताओ चार सवाल कर लिए, लगा भी कि बोर्ड पेपर दे रहे हो, लगा भी आपको? नहीं लगा, मेरे को तो नहीं लगा, मेरे को तो बिल्कुल नहीं लगा। अब चार मार्क्स का क्वेश्चन कर लिया हमने, अब आती है क्वेश्चन नंबर 5। चार मार्क्स के सवाल ऑलरेडी सेक्शन ए में आ चुके हैं फिजिक्स में। फिजिक्स में अगर मैं जनरली देखूं, समवेयर अबाउट 28 मार्क्स से सवाल आते हैं आउट ऑफ द 80 मार्क्स पेपर इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। देखते हैं सैंपल पेपर में वो कंटिन्यू हो रहा है कि नहीं, मैंने अभी तक काउंट नहीं किया हुआ, देखते हैं लेकिन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, इन द अरेंजमेंट शोन, अरे भाई क्लियरली दिख रहा है इलेक्ट्रोमैटिक इंडक्शन का क्वेश्चन ही है, जिन्होंने भी मैग्नेटिक इफेक्ट्स आपने पढ़ा हुआ है, वेल एंड गुड, आपको दिख रहा होगा ये इलेक्ट्रोमैटिक इंडक्शन का क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, हर साल आता है पेपर में और ये दोबारा आ गया सैंपल पेपर में, चांसेस बहुत ज्यादा है कि इस साल भी आए, तो बहुत काफी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि ये एक मार्क के सवाल में आ गया, दो मार्क के सवाल में आना चाहिए था इसे, ठीक है। तो हम अभी मैग्नेटिक इफेक्ट्स कर रहे हैं हमारे यूट्यूब पे अभी फिलहाल, तो अगर आप लोगों ने नहीं किया मैग्नेटिक इफेक्ट्स तो ज्वाइन कर लेना, मैंने 3-4 सेशंस कर लिए हैं, चिंता मत करना, कंटिन्यू करना, वीडियो जरूर देखना, ठीक है। इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर देयर आर टू कॉइल्स वूंड ऑन अ नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर रॉड, अच्छा ठीक है भाई, इनिशियली द की इज नॉट इंसर्टेड, अच्छा इनिशियली दिस की इज नॉट इंसर्टेड, ओहो ओके, in the circuit, later the key is inserted and then removed shortly after. What are the two observations that can be noted from the galvanometer reading? So concept goes like this. The concept is, जब मैं key को डालूंगा, तब current flow करने लगेगा coil 1 से. ये जो मेरा coil है, इसको मैं कहता हूँ primary coil. क्यों?
बताता हूं, ठीक है। इतना लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन इतना लिखने की जरूरत नहीं, एक मार्क का सवाल है, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। इसको मैं कहता हूं सेकेंडरी कॉइल, क्या कहता हूं इसे, सेकेंडरी कॉइल कहेंगे इसे, क्यों कहेंगे बताता हूं, देखो ध्यान से, ठीक है। प्राइमरी का कॉइल का काम है कि वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करे, कैसे जनरेट करेगा ये तो हमने जरूर पढ़ा हुआ है यूट्यूब पे भी और आपको पता भी होगा। व्हेन आई टर्न ऑन द स्विच, यानी कि व्हेन आई पुट डाउन द की, द इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग थ्रू कॉइल वन, एंड ड्यू टू दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अ मैग्नेटिक फील्ड विल बी जनरेटेड बाई कॉइल वन, है ना, अ मैग्नेटिक फील्ड विल बी जनरेटेड बाई द कॉइल वन, सही। Now this is Mr. Oersted. ये Oersted ने कहा था कि भाई इलेक्ट्रिक करंट पैदा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड जरूर वहां पे होगी। अब इसके आगे हमारे फैराडे ने कहा, माइकल फैराडे ने, yes, he gave the law of electromagnetic induction, that is there he said कि अगर there is a change in magnetic field linked to a circuit, then the circuit will have electric current produced in it. क्या कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि भाई इफ देयर इज अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड लिंक टू अ सर्किट देन देयर विल बी अ करंट प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट, सिंपल एज दैट वाज फैराडे सेड। यानी कि ओरेस्टेड ने बोला करंट से मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है, फैराडे ने बोला मैग्नेटिक फील्ड से करंट भी हो सकता है, लेकिन एक सिंपल सा कैच है वहां पे, उसने ये कहा था कि भाई चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। अगर कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है तो आपका करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। तो जैसे मैंने की इंसर्ट किया, की इंसर्ट करने से पहले कॉइल टू पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो थी, है ना, कोई करंट नहीं था, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको प्राइमरी कॉइल कहता हूं, क्योंकि प्राइमरी कॉइल प्राइमरी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है, सेकेंडरी कॉइल पे सेकेंडरी कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड लिंक होती है और वहां पे करंट जनरेट होता है, इसलिए मैं इसको सेकेंडरी कॉइल कहता हूं, ठीक है। ये सब लिखने की जरूरत नहीं, यहां पे वैसे जनरली बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो ये हो गया आपका सवाल, यहां पे क्या हुआ अभी ध्यान से देखो अभी, ठीक है। तो हमने करंट पास किया, करंट पास करने की वजह से यहां पे पहले मैग्नेटिक फील्ड जीरो था, लेकिन जैसे मैंने करंट पास करना स्टार्ट किया मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई, तो यहां पे अभी मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं रहा, तो देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। नाउ सिंस देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, योर करंट इज जनरेटेड इन दिस पर्टिकुलर सेकेंडरी कॉइल, और क्योंकि करंट जनरेट हुआ है गैल्वेनोमीटर आपको एक डिफ्लेक्शन दिखाएगा, गैल्वेनोमीटर आपको एक डिफ्लेक्शन दिखाएगा क्योंकि करंट जनरेट हुआ ना, ठीक है। लेकिन अब करंट तो भाई बैटरी से आ रहा है प्राइमरी कॉइल में, थोड़ी देर में वो कांस्टेंट हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट हो जाएगी, तो सिंस मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगी करंट जनरेट नहीं होगा फिर, क्योंकि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होता है करंट जनरेट करने के लिए, ठीक है, फैराडे ने यही कहा था। अब क्या करेंगे, अभी हम स्विच को ऑफ कर देंगे। तो जैसे हम स्विच को ऑफ करेंगे, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो थी, दोबारा जीरो हो जाएगी, सो देयर इज अगेन अ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम नॉन जीरो टू बैक टू जीरो, करेक्ट। तो उस वजह से भी आपके कॉइल में करंट जनरेट होगा, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट जनरेट होगा। अब ये चेंजिंग करंट डिक्रीजिंग है इंक्रीजिंग है फर्क नहीं पड़ता, मैग्नेटिक फील्ड जरूर जनरेट होगा, सो मैग्नेटिक फील्ड गेट्स जनरेटेड। बट क्योंकि इनिशियली आपका मैग्नेटिक आपका करंट वॉज प्रोड्यूस ड्यू टू इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड, करंट यू गॉट वॉज पॉजिटिव, ठीक है, सो द गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्टेड दैट साइड। नाउ सिंस यू आर स्विचिंग ऑफ द सर्किट एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीजिंग, सो द करंट विच यू जनरेटिंग It's in the other direction. So galvanometer deflects in the other direction. तो एक मार्क के लिए क्या लिखोगे आप? अभी सब सोच रहे हो सर एक मार्क लिखना है? नहीं, ये मैंने आपको समझाया कि लिखना क्यों है, क्योंकि मैंने पढ़ाया नहीं है टॉपिक यूट्यूब पे, इसलिए मैंने समझाया आपको, वरना मैं नहीं समझाता, ठीक है। तो यहां पे एक मार्क के लिए क्या लिखोगे? एक मार्क के लिए सब इतना लिखोगे, देर आर मोमेंटरीली गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शंस दैट डाइज आउट शॉर्टली एंड द डिफ्लेक्शंस आर इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सीबीएसई का मार्किंग स्कीम कहता है, उनका ही सोल्यूशन है, तो ये लिख रहा है बस एक मार्क के लिए, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये होता क्यों है, बाकी चीजें मैंने यूट्यूब पर पढ़ाई हुई, ये तो अभी पढ़ाना है मेरे को, ठीक है बच्चों। तो हमने कर लिया पांच क्वेश्चन, तो भाई पांच मार्क्स हो चुके हैं आपके फिजिक्स के। अब आगे बढ़ते हैं, ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर। लो कर लो बात यार, ये क्या है, ये सवाल ही क्या है, देखो हो गया, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर इज concentric circles where the conductor itself is at the center of the circle. तो बस magnetic field और current का direction सही बनाना। अगर मैं current का direction ऊपर की तरफ दिया हुआ है तो magnetic field कैसे होगी? Anti-clockwise होगी, correct? तो ऐसे रहेगी। According to Maxwell's right hand thumb rule, हमने ये भी YouTube में पढ़ा हुआ है, correct? तो बना दिया मैंने, तो clearly ऐसे दिखेगी, सही? चलो हो गया, 6 marks हो गया। कितने जल्दी जल्दी एक मार्क के सवाल हो रहे हैं यार, कितना लड्डू है ये। Two unequal resistances are connected in parallel. अच्छा, ठीक है। There are two unequal resistances connected in parallel. ये हो गया। चलो मान लेते हैं ये R1 है, ये R2 है। अगर confusion होता है तो इसको 10 मान लो, इसको 5 मान लो।
मान लो यार अनइक्वल रेजिस्टेंस, जो वैल्यू मानना है मानो, आर ओ नाटू मान रहे हो, नंबर ही मान लो, कंफ्यूजन होता है तो खत्म। अब आगे क्या है, इफ यू आर नॉट प्रोवाइडेड विद एनी अदर पैरामीटर्स, ठीक है, थैंक यू, नॉट विद फॉर नॉट प्रोवाइडिंग एनी पैरामीटर्स, थैंक यू, व्हाट कैन बी सेड अबाउट द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द टू रेजिस्टर्स। लो कर लो बात भाई, इलेक्ट्रिसिटी सबसे पहले कंप्लीट की थी हमने इस पूरे यूट्यूब में, है ना, जब होता है पैरेलल रेजिस्टेंस, मुझे पता है कि भाई वोल्टेज रेजिस्टेंस के अक्रॉस कॉन्स्टेंट होती है, वोल्टेज कॉन्स्टेंट होती है। अभी आप लोग ये सोच रहे हो सर ये वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, भाई ये सब छोड़ो, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज, पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस सब एक ही नाम, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, मुझे पता है कि भाई इन अ पैरेलल सर्किट द वोल्टेज इज कांस्टेंट, द पोटेंशियल डिफरेंस इज कांस्टेंट, तो क्या लिखोगे यहां पे, व्हाट कैन बी सेड, दिस इज ओनली यू हैव टू से अक्रॉस बोथ द रेजिस्टर्स इन अ पैरेलल कनेक्शन द वोल्टेज ड्रॉप वुड बी कांस्टेंट। एक लाइन, एक मार्क का सवाल है भाई, खत्म हो गया। सात क्वेश्चन, सात मार्क्स, हाँ सातवा क्वेश्चन था ये, तो आ गए हमारे सात मार्क्स। अब देखो आगे कितने सारे एक मार्क के क्वेश्चन आए, पता फिजिक्स से मजा आ रहा है कभी। सम वर्क इज डन, ये तो सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन, एक मार्क का सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन सीबीएसई सैंपल पेपर में। सम वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज क्यू फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट ए, ब्ला ब्ला ब्ला, इन स्पेस, ठीक है भाई। द पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट ए इज गिवन एज वी, ठीक है। वॉट इज द वर्क डन टू मूव दिस चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी इन टर्म्स ऑफ क्यू एंड वी, ये बोल रहा है भाई। आप वर्क डन का फॉर्मूला लिखो, इलेक्ट्रिसिटी के टर्म्स में वर्क डन का फॉर्मूला लिखो, उसके लिए इतनी बड़ी क्वेश्चन, कंफ्यूज करने के लिए सिर्फ। आपको पता है कि वोल्टेज का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन चार्ज, तो वर्क डन क्या लिखोगे, वोल्टेज इनटू चार्ज। ये लिखने के लिए पूछा गया आपके सवाल, एक मार्क, नथिंग एक्स्ट्रा यू नीड टू राइट, एक मार्क यहां पर मिल रहा है आपको। तो हो गया आपका आठ मार्क्स का सवाल, आठ मार्क्स मिल चुके हैं आपको, आठ मार्क्स यहां तक। लो कर लो बात भाई, लो कर लो बात। अब आई एक वेरिएशन, अब फिजिक्स से ऐसे टाइप के अनसीन पैसेज के दो टाइप, दो क्वेश्चंस आए हैं सैंपल पेपर में, थोड़ा तैयार रहना क्योंकि है तो ये बहुत इजी, कुछ भी एक्स्ट्रा कोई चीज नहीं है, तो बहुत ही इजी, चिंता मत करो। लेकिन क्वेश्चन है बहुत इंटरेस्टिंग और क्वेश्चन है अच्छा। अच्छा क्यों बोल रहा हूं मैं इसे, क्योंकि ये आपके एप्लीकेशन पे अप्लाई करता है, तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस काफी अच्छे होते हैं आपके नॉलेज के लिए। तो मैं इसके लिए ताली मारूंगा सीबीएसई के लिए कि भाई अच्छा किया आपने क्वेश्चन देके, बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ेगा भाई, क्वेश्चन करने में मजा आएगा, है ना। देखो इसको ध्यान से, क्या बोला गया, सुमति वॉन्टेड टू सी द स्टार्स ऑफ द नाइट स्काई, शी नोज दैट शी नीड्स अ टेलीस्कोप टू सी दोज डिस्टेंट स्टार्स, परफेक्ट। शी फाइंड्स आउट दैट द टेलीस्कोप्स विच आर मेड ऑफ लेंसेज आर कॉल्ड रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप्स and the ones which are made of mirrors are called as reflecting telescopes. आपको यहाँ पे जैसे आप English literation करते हो ना, जहाँ जहाँ पे important points हैं तो उसको mark करते जाओ, ऐसा हमेशा करते हो आप, English passage करते हो ना वैसे ही। तो मेरे को लगता है कि भाई made of lenses are called refracting telescopes and ones which are made of mirrors are called as reflecting telescopes. मुझे थोड़ा important लगा, ऐसा मैंने ले लिया, ठीक है। अब ये diagram दिया हुआ है, एक lens बड़ा lens, एक छोटा lens, image ये बना रही है, और यहाँ पे देख सकते हो कि ये लाइट रे कन्वर्ज कर रही है, ये वाला जो रे है पैरेलल रे को कन्वर्ज कर रही है, तो ऑफ कोर्स बात है भाई कि ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस होना चाहिए। आगे पढ़ने से पहले डायग्राम अच्छे से देख लो, कॉन्वेक्स लेंस होना चाहिए, और ये भी देखो जो एक पॉइंट से आ रही है उसे पैरेलल बना रही है, तो मतलब इस लेंस के लिए ये पॉइंट तो फोकस हो जाता है ना, मतलब रेस इंफिनिटी से आ रही है और ये हमारी रेस, अगर आप रेस देख नहीं पा रहे हो मैं बना के दिखा देता हूं आपको, देखो ऐसी है रेस यहां पे इस क्वेश्चन में, ऐसी रेस है, देख रहे हो आप। तो ये जो रेस पैरेलल आ रही है इन्फिनिटी से, वो कन्वर्स हो रही है एक पॉइंट पे, तो ये फोकस हो गया, और फोकस से जो लाइट रेस आ रही है इस लेंस के थ्रू पैरेलल हो रही है, तो भाई ये दोनों कॉन्वेक्स लेंस हो गए, एक बड़ा कॉन्वेक्स लेंस है, छोटा कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, डायग्राम समझ में आ गया भी, ठीक है, दो कॉन्वेक्स लेंस सेट कर दिया हमने। अब देखो आगे, सो शी डिसाइडेड टू मेक अ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, कूल। शी बॉट टू लेंसेज L1 एंड L2, L1 एंड L2, आउट ऑफ विच L1 वॉज बिगर एंड L2 इज स्मॉलर, ठीक है। The larger lens gathers and bends the light while the smaller lens magnifies the image. ठीक है, big thick lenses are more powerful. So big thick lenses are more powerful. So to see far away she needed a big powerful lens. ठीक है, unfortunately she realized that a big lens is very heavy. मेरे को लगता है कि important point है, सर mark करते जा रहा हूँ। Heavy lenses are hard to make and difficult to hold in the right place. Okay. Also, since the light is passing through the lens, the surface of the lens has to be extremely smooth. Okay, makes sense. Any flaws in the lens will change the image. It would be like looking through a dirty window. Makes sense. तो मैंने passage पढ़ लिया। सवाल क्या है?
बेस्ड ऑन द डायग्राम शोन, तो यहाँ पे आपको दिए हुए हैं पांच सवाल, ठीक है, देख सकते हो आप 19-1 से 19-5 पार्ट तक आपको दिया हुआ है, लेकिन बोला गया ये कि इन पांच पार्ट में किसी चार का जवाब दो, तो चार मार्क्स का सवाल है ये, एक एक करके एक एक मार्क का, चार मार्क का सवाल है ये। तो देखते हैं पहला सवाल, बेस्ड ऑन द डायग्राम शोन व्हाट काइंड ऑफ लेंसेज वुड सुमति नीड टू मेक द टेलीस्कोप, ये तो हमने ऑलरेडी कर लिया, कॉन्वेक्स लेंस है ना, कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि लाइट रेज कन्वर्ज हो रही थी, समझ में आ गया हमें, तो हमें मिल गया कितना, 9 मार्क। आगे सेकंड सवाल, इफ द पावर ऑफ द लेंसेज L1 एंड L2 आर इन द रेशियो 4:1, अच्छा इफ द पावर्स ऑफ द लेंसेज L1 एंड L2, मान लेते हैं पावर ऑफ द लेंस L1 इज P1, पावर ऑफ द लेंस L2 इज P2 इज इन द रेशियो 4:1 यानी कि 4:1, व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ L1 एंड L2, ठीक है, तो मुझे पता है कि भाई पावर का फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है 1/f, सो दिस वुड बी f इज इक्वल टू 1/p, करेक्ट, सो F1 इज इक्वल टू 1/p1, F2 इज इक्वल टू 1/p2, इन दोनों का अगर मैं रेशियो निकालूंगा कितना आएगा, F1/F2 इज इक्वल टू 1/p1 इंटू F2 कितना है 1/p2, सो 1/p2, P2 पर चला जाएगा, सो P2/p1, P2 कितना है, P2 आपका 1 है, P1 आपका 4 है, P1/P2 4/1 है ना, तो P2/P1 1/4 होगा, खत्म, रेशियो निकालना है, बताओ, सो योर रेशियो इज 1/4, दैट इज 1:4, ऑप्शन बी, बिल्कुल 1/4, 1:4, एक और मार्क मिल गया आपको, 10 मार्क्स मिल चुके हैं यहाँ तक, फिजिक्स के 10 मार्क्स मिल गया आपको, कितना इजी सवाल, राइट, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन ऑब्टेन्ड विद अ लेंस, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, एवरी वन ऑफ अस नो, अदरवाइज इट इज इक्वल टू वी अपॉन यू, कौन सा बोल बता रहा है, बताओ, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, पहला ऑप्शन ही करेक्ट आंसर, डबल द फोकल लेंथ ना, इनवर्स ऑफ द रेडियस स्क्वायर ना, इनवर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ना, मिल गया 11 मार्क्स मिल गया आपको 11 मार्क्स, सी ऑप्शन इज करेक्ट। फोर्थ क्वेश्चन, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन जो हमें अटेंड करना चाहिए, फिफ्थ क्वेश्चन अटेंड करने की जरूरत नहीं, अगर आपको ये सही आता है तो, देखो क्या है, सुमित डिड सम प्रिलिमिनरी एक्सपेरिमेंट विद द लेंसेस, ठीक है, एंड फाउंड आउट दैट द मैग्निफिकेशन ऑफ द आईपीस इज 3, ठीक है, मैग्निफिकेशन ऑफ द आईपीस इज 3, ठीक है, इफ इन हर एक्सपेरिमेंट विद L2 शी फाउंड एन इमेज एट 24 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, ओके, इमेज डिस्टेंस गिवन एज 24 सेंटीमीटर, ओके, एट वॉट डिस्टेंस डिड शी पुट द ऑब्जेक्ट, बताओ, मैग्निफिकेशन है, इमेज डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकाल सकते, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछा ना आपसे, नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हो ना, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू वी अपॉन यू, सो यू विल बी इक्वल टू एम, सॉरी वी अपॉन एम, वी दिया हुआ है 24 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, खत्म, लगा नहीं था इतना इजी आता है भाई, लगा नहीं था इतना इजी आता है, 12 मार्क्स का सवाल खत्म, मूविंग ऑन, आर्ट्स कितना इजी क्वेश्चन, मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन विच यू नॉट नीड टू अटेम्प्ट, क्योंकि आपने 4 अटेम्प्ट कर लिए, लेकिन अटेम्प्ट करना तो कर लो, देखो सवाल MCQ है ये भी, सुमति बॉट नॉट सो थिक लेंसेज फॉर द टेलीस्कोप एंड पॉलिश देम, व्हाट एडवांटेजेस इफ एनी वुड शी हैव विथ हर चॉइस ऑफ लेंसेज, तो सुमति लेके आई नॉट दैट थिक लेंस बट प्रॉपरली पॉलिश्ड, देखते हैं क्या एडवांटेज मिलेगा इससे उसे, शी विल नॉट हैव एनी एडवांटेज एज इवन थिकर लेंसेज वुड गिव क्लियर इमेजेस, नहीं क्योंकि थिकर लेंसेज लेके आगे तो हमने पढ़ा था पैसेज में कि बहुत भारी हो जाएगा और उसको होल्ड नहीं कर पाएंगे टेलीस्कोप को, इसलिए हम ये ऑप्शन साइड पर रखते हैं, थिकर लेंसेज वुड हैव मेड टेलीस्कोप इजियर टू हैंडल, नहीं, हमने पढ़ा था थिकर लेंसेज के लिए जरूरी है कि वो होल्ड नहीं कर पाएगा और बहुत भारी बना देगा, तो ऑप्शन बी तो बिल्कुल नहीं है, ऑप्शन सी, नॉट सो थिक लेंसेज वुड नॉट मेक द टेलीस्कोप वेरी हैवी, करेक्ट, एंड ऑल्सो अलाउ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ लाइट टू पास, या कुड बी करेक्ट, डी क्या है, नॉट सो थिक लेंसेज विल गिव हर मोर मैग्निफिकेशन, नहीं एक्स्ट्रा मैग्निफिकेशन नहीं आएगा क्योंकि मैग्निफिकेशन एक्स्ट्रा तभी आएगा जब थिक लेंसेज होगा, तो आई थिंक ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर, एंड लेट्स चेक इट आउट, यस ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, सो ये पैसेज रीड करके जो भी आपको जिस्ट आती है आप निकाल सकते हो, लेकिन आउट ऑफ 5 आपको सिर्फ 4 देने हैं, सो इट डजंट मैटर, करेक्ट पीपल, तो अभी बहुत से बच्चों का सवाल होता है सर अगर हमने चलो 5 दे दिया तो आपके बेस्ट लिया जाएगा, अगर कोई एक रॉन्ग हो जाता है तो जो सही है वो ले लिया जाएगा, बट यू नो 5वां जो है आप अटेम्प्ट तभी करना जब 4 हो जाए सही, ठीक है, चलो बच्चों ये हो गया, बिल्कुल हो गया, खत्म, एक और पैसेज है, ये आपके 1 मार्क क्वेश्चन का आखिरी सवाल है, ठीक है, ये आपके 1 मार्क क्वेश्चन का आखिरी सवाल है, तो अभी तक आपको 12 मार्क्स मिल चुके हैं मेरे ख्याल से, अभी तक 12 मार्क्स मिल गए ना, देख लेते एक बार, 11 था यहाँ पे और ये 10 था, हाँ आपको अभी तक 12 मार्क्स मिल चुके हैं, ठीक है, बताओ सेक्शन ए से आउट ऑफ 28 मार्क्स 12 मार्क्स यू हैव ऑलरेडी गॉट,
नाउ दिस इज ऑल्सो फाइव फोर क्वेश्चन वाला राउंड, जहां पे चार क्वेश्चन होंगे और आपको चार क्वेश्चन में चार मार्क्स कमाने हैं। तो यानी कि सेक्शन ए से सिर्फ आपको 16 मार्क्स से सवाल आ रहे हैं फिजिक्स से। कैन यू इमेजिन दैट, सेक्शन ए से 16 मार्क्स एज कंपेयर टू केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, बहुत ज्यादा। केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी सवाल सबसे ज्यादा सेकंड और थर्ड मार्क्स 3 मार्क्स के लिए आए हुए हैं। गेट इट? सो फिजिक्स सेक्शन ए में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल फॉलो कर रहा है फॉर सैम्पल पेपर। सिमिलैरिटी हो सकती है बोर्ड पेपर में भी, बट 100% डिसिमिलैरिटी हो सकती है, दैट नो वन कैन से। ठीक है पीपल, सो लेट्स लुक इनटू इट राइट नाउ, लेट्स रीड दिस पैसेज आल्सो। तो आप लोग मेरे से पहले कर पा रहे हो तो कर लो जल्दी से। अ सोलेनोइड इज अ लॉन्ग हेलिकल कॉइल ऑफ वायर थ्रू विच अ करंट इज रन इन ऑर्डर टू क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सोलेनोइड इज द सुपरपोजिशन ऑफ द फील्ड्स ड्यू टू द करंट थ्रू ईच कॉइल। ओ माय गॉड, ठीक है। इट इज नियरली यूनिफॉर्म इन साइड द सोलेनोइड। अच्छा, कहा जा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इन साइड द सोलेनोइड एंड क्लोज टू जीरो आउटसाइड एंड इज सिमिलर टू द फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट। ये तो भाई हम जब पढ़ेंगे सोलेनोइड हमारे यूट्यूब पे अभी, और मेरे ख्याल से जब आप बाद में देखोगे वीडियो हमने कर लिया होगा ऑलरेडी, है ना। तो ये मैग्नेट हैविंग अ नॉर्थ पोल एट वन एंड अ साउथ पोल एट द अदर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सोलेनोइड का जो यू नो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो बार एक नॉर्मल मैग्नेट से बहुत मिलता जुलता है। तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन आता भी आपके बोर्ड में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है इस पैसेज से, मैंने मार्क कर दिया। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इन द सोलेनोइड इज डिपेंडेंट ऑन ए फ्यू फैक्टर्स, करेक्ट। द करंट इन द कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एक्सेट्रा, करेक्ट। द फॉलोइंग ग्राफ इज ऑब्टेन बाय अ रिसर्चर व्हाइल डूइंग एन एक्सपेरिमेंट टू सी द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू द करंट इन द सोलेनोइड। हमें पता है ऑरेस्टेड ने भी कहा हुआ है कि अगर करंट बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। तो यहाँ पे ये क्लियरली दिख रहा है आपको, देखो करंट जैसे जैसे बढ़ रही है मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ते जा रहा है, पता ही है हमें बात। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट भी दिया हुआ है मिली टेस्ला में, वो सब छोड़ो फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर वन देखते हैं, क्या क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी कन्वर्जन इज ऑब्जर्व्ड इन अ लीनियर सोलेनोइड। अब यहां पे इस क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ यू गाइस विल डू अ मिस्टेक, पता है मेरे को, है ना। क्या आंसर दोगे इसका, क्या आंसर दोगे, व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी कन्वर्जन इज ऑब्जर्व्ड इन अ लीनियर सोलेनोइड। सोलेनोइड में क्या कन्वर्जन होगा, आपको लगेगा भाई सोलेनोइड में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है और उस इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, तो योर इलेक्ट्रिकल टू मैग्नेटिकल ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट है, है ना। बहुत ज्यादा बड़ी गलती, क्योंकि भाई इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर आते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। इसके ऊपर सेपरेट करने की जरूरत नहीं है आपको, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, वो सिंगल फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है। इसका जवाब होना चाहिए कि जब आपकी करंट आती है आपके सोलेनोइड में, योर मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड एंड लेटर ऑन दैट creates you know a movement in the solenoid for the electrons for the magnetic field and hence it is actually converted from electrical to mechanical. So electrical energy converts from electrical energy converts to mechanical energy. ye yaad rakhna, theek hai, that is what happens in a solenoid. ye second part nahi hai, yahan pe galti karoge aap, mujhe pata hai is bare mein, isliye maine aapko keh diya. Moving on to the second part, What will happen if a soft iron bar is placed inside the solenoid? ठीक है, ये आपका solenoid है, इसके अंदर ये कह रहे हैं कि भाई ये एक मैंने डाल दिया soft iron bar, मतलब एक लोहे का तोड़ा अंदर रख दिया मैंने solenoid, ठीक है। अब क्या हो रही है, the bar will be electrocuted resulting in short circuit, the bar will be magnetized as long as there is current in the circuit, of course, the bar will be magnetized permanently, nope. The bar will not be affected by any means. Of course, it will be affected because of magnetic field. जब एक जैसे आपने देखा होगा इंटरनेट पे, जैसे एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, एक छोटा सा लोहे का पीस ले लो, उस पर कॉपर लपेट लो तो सोलेनोइड बन जाती हो, उसको बैटरी से कनेक्ट कर दो, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया। लेकिन उसमें से उस आयन नेल को निकाल दो, क्या आयन नेल अभी भी मैग्नेट है, नहीं है, करेक्ट। That is the precise answer here, which you need to know, कि नहीं भाई जब तक वो अंदर है वो magnetized है, जब से बाहर निकल जाएगा magnetized नहीं रहेगा, तो option B is the correct answer, ठीक है। ये जब अंदर रहेगी तो magnetized रहेगी, जब बाहर आ जाएगी magnetized नहीं रहेगी। तो आपको कितने मार्क्स मिल गए भाई, 12 मार्क्स थे, ये दूसरा सवाल था, यानी कि आपको मिल चुके हैं 14 मार्क्स, 14 मार्क्स डन। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स प्रोड्यूस्ड इनसाइड द सोलेनोइड आर सिमिलर टू दैट ऑफ मैग्नेट। सुपर इंपॉर्टेंट सवाल ये, बताया था ना मैंने, बहुत सही, 13 मार्क्स डन, 13 मार्क्स, एब्सोल्युटली डन। देख सकते हो ये बार मैग्नेट है, ये आपका सोलेनोइड है, देख सकते हो आप, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, मैग्नेटिक फील्ड घूम रही है, बस एकदम सेम टू सेम, देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल। ये हम पढ़ेंगे यूट्यूब पे, डोंट वरी। फोर्थ क्वेश्चन अभी आपके सामने आते हुए 13 मार्क्स के बाद, आफ्टर एनालाइजिंग द ग्राफ अ स्टूडेंट राइट्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द सोलेनोइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट,
पता है हमें मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू करंट, और स्टेड ने 200 साल पहले बोल दिया था, क्या सोचना है? और द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय दिस सॉलेनोइड इज दैट, एब्सोल्युटली आगे का ऑप्शन पढ़ने का भी जरूरत नहीं है, फिर भी पढ़ लेते हैं. द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय दिस सॉलेनोइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट. नाम उन्ना ना. द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय दिस सॉलेनोइड इज इंडिपेंडेंट. नाम उन्ना ना. सो द ऑप्शन इज 2. तो यहां पे ओनली 4, 1 एंड 3 एंड 4, 1 एंड 2, ओनली 2, ओनली 2 इज करेक्ट, ओनली 2 इज करेक्ट, ऑप्शन डी. 14 मार्क्स आपके, 14 मार्क्स हो गए आपके. ये वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करना चाहते हो तो अटेम्प्ट कर सकते हो. फ्रॉम द ग्राफ डिड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट. फॉर ए करंट ऑफ 0.8 एम्पीयर द मैग्नेटिक फील्ड इज 13 मिली टेस्ला. लेट्स चेक इट आउट. 13 मिली टेस्ला, 13 मिली टेस्ला यहां पे आएगा, 0.8 सही लग रहा है. 13 मिली टेस्ला, 0.8 एम्पीयर सही लग रहा है. ये सवाल मैंने ग्राफ देखा नहीं वैसे भी तक, है ना, तो सही लग रहा है ये. ऑप्शन बी देखते हैं. फॉर लार्जर करंट्स द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस नॉन लीनियर. नहीं, ये तो नहीं दिखाया हमें ग्राफ में, बिल्कुल नहीं दिखाया कि नॉन लीनियर ग्राफ, तो नहीं था, लीनियर ग्राफ ही था. फॉर ए करंट ऑफ 0.8 एम्पीयर द मैग्नेटिक फील्ड इज 1.3 मिली टेस्ला. नहीं, 13 मिली टेस्ला था ना, 13 मिली टेस्ला था, राइट. हाँ, 13 ही हो, 13 ही हो, करेक्ट. अब आखिरी पार्ट, देयर इज नॉट इनफ इन्फॉर्मेशन टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड करस्पॉन्डिंग. नहीं नहीं यार, ऑप्शन ही लग रहा है मेरे को. आई थिंक इट्स ऑप्शन ए. हाँ, ऑप्शन ए कर लिया हमने, कोई चिंता नहीं, कर लिए भाई, कर लिए हमने. मतलब सारे के सारे क्वेश्चंस कर लिए एक मार्क्स के, मतलब 14 मार्क्स से सवाल, 14 मार्क्स से सवाल आए हैं आपको फ्रॉम सेक्शन ए. क्रिटिकल मैन, दिस इज सुपर क्रिटिकल, इट्स क्रेजी. 14 मार्क्स से सवाल कभी सेक्शन ए से आए नहीं है फिजिक्स के लिए, कभी नहीं आए. दैट्स अ ह्यूज जंप, एंड यू ऑलरेडी सॉ कि हाउ इजी दे आर, दे आर सो डायरेक्ट, दे आर सो इजी क्वेश्चंस. आई डोंट थिंक यू हैव टू स्टडी एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी, जो मैंने आपको ऑलरेडी कहा हुआ है. इट्स नथिंग टू वरी अबाउट इट ऑल. तो अभी तक जितने बच्चों ने भाई सही आंसर दिया और मजा आ गया सबको, गिव मी क्विक बल्ले बल्ले पीपल, थैंक यू सो मच फॉर एंजॉइंग दिस सेशन. नाउ इफ इन केस यू एंजॉयड इट, मेक श्योर दैट यू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन, सब्सक्राइब टू द चैनल इफ इन केस यू हैवंट. अभी हम आगे बढ़ने वाले हैं, हमारे 2 मार्क, 3 मार्क और 5 मार्क के सवाल में बहुत ईजी जाने वाला है ये सवाल, क्योंकि बहुत कम क्वेश्चन है और बहुत मजा आ जाएगा, धन 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 हो जाएगा, टक टक टक, ठीक है. उससे पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जैसे अभी हम बात कर रहे हैं हमेशा से 100% नॉलेज गेन करने की, उसके बाद मार्क्स, जैसे मैंने आप देखा कि एक मार्क्स से मैं आपको समझा रहा था, उसके बाद ही हम मार्क्स की बात कर रहे थे ना, ये बहुत जरूरी है. तो इफ इन केस पीपल, डू यू गाइस वांट टू जॉइन अस फॉर दिस लाइक दिस एंड स्टडी लाइक दिस लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव हमेशा, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स मैं बताने वाला हूं आपको, बट डू यू गाइस वांट टू गिव अ क्विक यस कि हमेशा ऐसे ही हर सब्जेक्ट के लिए, हर दिन के लिए प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ प्रॉपर मार्क्स वाइज आप पढ़ सको कि मजा आ जाए. अपार्ट फ्रॉम दैट, यू शुड ऑलवेज ऑलवेज हैव द ऑप्शन ऑफ हैविंग अनलिमिटेड लाइव क्लासेस विद सुपर फन क्विजेस एंड हाई लेवल क्विजेस डिपेंडिंग अपॉन द लेटेस्ट सीबीएसई पैटर्न, एंड ऑल्सो यू शुड हैव द ऑपर्चुनिटी टू यू नो enjoy as much as you can, and while you're doing it you also have the opportunity to actually compete with the students throughout the world. यानी कि आपके पास ये opportunity है, आप दुनिया के हर एक बच्चे के साथ compete कर पा रहे हो जो भी वेदांतों के platform में है, और you know आप लोग ये पता कर पाओ कि आपकी ranking फिलहाल कितनी है हर एक session में, भाई हर एक session में, ताकि आपको पता चले कि आपको कहाँ improve करना है और कहाँ आप best हो. That's more important I guess. और इसी के साथ साथ how can I not say this, अगर गलती से एक या दो class miss भी हो जाते हैं, आपके पास unlimited live class का option है. एक दिन में आप अनलिमिटेड क्लासेस ले सकते हो, लाइव क्लासेस आपके पास ऑप्शन है. मान लेते हैं आपके एक दो क्लास मिस हो गए, तब भी भाई रिप्ले है आपके पास, आप जो भी कोर्स में एडमिटेड हो आप जाके रिप्ले दे सकते हो, और हर एक रिप्ले में भी यू विल हैव द ऑप्शन ऑफ प्लेइंग क्विजेस. यही कंप्लेन आता है ना कि सर रिप्ले रिकॉर्डेड वीडियो में हम क्या करेंगे, सर हम थोड़ी ना क्विज खेल पाएंगे. ऐसा नहीं होता मुन्ना, बिल्कुल नहीं, बिकॉज दैट इज अ वेदांत हू हैज इंटरैक्टिव रिप्ले. इंटरैक्टिव मतलब रिप्ले के साथ इंटरैक्ट कर सकते हो. कैसे भाई, आपके पास ऑप्शन है क्विज खेलने का एंड रिप्लेस ऑल्सो, और वहां पे भी लीडरबोर्ड में आगे, और आपको ऐसा फीलिंग आएगा कि अगर आप सेशन में होते तो यहां होते, है ना. तो दिस यू डेफिनेटली शुड नॉट मिस इट आउट. एंड यू ऑल्सो हैव द ऑप्शन ऑफ डाउनलोडिंग द कंटेंट एवरी सिंगल टाइम आफ्टर दी सेशन अलॉन्ग विद द हैंड रिटन नोट्स ऑफ द टीचर्स. जो भी टीचर सेशन में लिखता है उसके साथ आप डाउनलोड कर सकते हो. एंड यू हैव द अनलिमिटेड इन क्लास डाउट सॉल्विंग ऑप्शन. जो भी सेशन चल रहा है उसमें जो भी आपको डाउट्स है वो सेशन के अंदर ही सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास है 2 टीचर्स भाई एक क्लास में, एक मास्टर टीचर जो पढ़ाते हैं और डाउट्स भी सॉल्व करते हैं, एक क्लास टीचर जो सिर्फ डाउट सॉल्व करते हैं आप बच्चों के, ताकि आपका कोई भी डाउट वेस्ट ना जाए. और हर एक सेशन और हर एक चैप्टर के बाद आपको मिलता है टेस्ट एंड असाइनमेंट्स बेस्ड अगेन ऑन द लेटेस्ट सीबीएसई पेपर पैटर्न एंड द सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कमिंग फ्रॉम सीबीएसई प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस, सैंपल पेपर, यू नो एसचंद और यू नो एनसीईआरटी, एनसीईआरटी सबका कोलैबोरेशन होता है, ताकि आपको कहीं और जाना ही ना पड़े. एंड इन वेदांत वी ट्रूली बिलीव समथिंग कॉल्ड एज
माइक्रो कोर्सेस. नाउ व्हाट आर दे? जैसे अभी आप 10th में हो और ऐसा कोई कॉन्सेप्ट हो जो 9th या 8th से रिलेटेड है और आपको पढ़ना है ताकि आप इसका रिवाइज हो जाए, तो आप क्या करोगे? यू जस्ट गो बैक टू, यू हैव द ऑप्शन ऑफ हैविंग 5000 प्लस माइक्रो कोर्सेस गिवन टू यू फॉर एब्सोल्युटली फ्री. माइक्रो कोर्सेस क्या होते हैं? हर एक चैप्टर फर्स्ट ग्रेड से 12th ग्रेड तक वेदांतु ने कर दिया है छोटा वीडियो मॉड्यूल अलॉन्ग विद इट्स क्विजेस एंड लीडर बोर्ड्स. इसको माइक्रो कोर्स बुलाते हैं. हर एक चैप्टर को डिवाइड कर दिया वीडियोस में. देखो जब जाना जगह देखो, फ्री आपके लिए एकदम. जैसे भी 10th में 12th का पढ़ना है जाओ देखो पढ़ो, NTC का पढ़ना है, ओलंपियाड का पढ़ना है जाओ पढ़ो देखो, जो भी सिलेबस का पढ़ना पढ़ो, इट्स एब्सोल्युटली ऑन यू, इट्स फ्री फॉर यू, जितना करना करो ठीक है. एंड इन एंड ऑल्सो ऑल दी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन बेस्ड जो आपके कोर्सेस होते हैं दैट इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली फ्री फॉर यू एज वेल. व्हाट एल्स डू यू गाइस नीड? और मैं आपको एक यहां पे सोने पे सुहागा वाली बात बताने वाला हूं. वी ट्रूली बिलीव दैट लेस इज मोर. जितने ज्यादा क्लासेस आप लेना चाहते हो आप लो, उतना ही कम आपका पर क्लास कॉस्ट होगा. कैसे? प्रूव करके दिखाऊं. तो करना क्या आपको बता देता हूं. करना क्या आपको? आपको जाना है लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड इन द पिंड कमेंट. यानी कि जैसे आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे वहां पे आपको एक लिंक मिल जाएगा वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन का. उस लिंक पे क्लिक करो अभी के अभी, एक नया टैब खुलेगा और वहां पे आपको अपना ग्रेड पूछेगा, ग्रेड चूज करो, अपना बोर्ड चूज करो और आपके सामने वेबसाइट खुल जाएगी. जो भी मैंने आपको बताया ना वो वहां पे डिटेल में लिखा होगा. पूरा गो थ्रू करो, मजा जब आ जाए पढ़ने के बाद हिट ऑन दी सब्सक्रिप्शन बटन. जैसे सब्सक्रिप्शन बटन में क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज खुल जाएगी. भाई 1 महीने का लेना है, 3 महीने का लेना है, 6 महीने का लेना है. वहां पे प्राइसेस थोड़ी ज्यादा दिखा रही होंगी क्योंकि आपने मेरा कूपन कोड नहीं डाला है. मेरा कूपन कोड है AK Pro. क्या कूपन कोड है मेरा? मेरा कूपन कोड है AK Pro. ठीक है, ये कहां डालना है? शायद दिख नहीं रहा होगा क्योंकि आपने लॉगिन नहीं किया है. तो लॉगिन करो वेबसाइट पे, तब आपको मिल जाएगा कूपन कोड डालने का एरिया. तो AK Pro डालो, अप्लाई करो और आपके सामने पैसे बदल जाएंगे. 1 महीने का कोर्स हो जाएगा 2700 से 2160, दैट इज 2160 ठीक है. और 3 महीने का कोर्स हो जाएगा फ्रॉम 7,000 5,600 एंड 6 मंथ्स का कोर्स हो जाएगा फ्रॉम 11,500 9,200. तो अभी आप लोग सोच रहे हैं सर अभी तो सिर्फ कुछ ही महीने बचे हैं, 6 महीने का लेना जरूरी है क्या? ले लो भाई, रिवीजन भी इसमें आ जाएगा ना. रिवीजन भी आपको फ्री मिलेगा इसके साथ, चैप्टर्स के साथ साथ रिवीजन भी हो जाएगा आपका. फिर क्यों चिंता कर रहे हो? 6 महीने तो बाकी है ही, रिवीजन को इंक्लूड करके. डोंट वेस्ट एनी टाइम ठीक है. 6 महीने का ले लो या तो 3 महीने का ले लो, इट्स योर विश. अगर भरोसा नहीं तो भाई 1 महीने का ले लो, चलता है, इट्स ओके. मेरे को पता है कि एक बार लेने के बाद आप बार बार जरूर लोगे. मेरे को पता है ना कभी कि भाई कितने बच्चे दोबारा लेते हैं, मेरे को नंबर मिल जाते हैं. तो आई नो दिस. सो वी नो कि क्योंकि हमने बनाया आपके लिए ना, आपसे फीडबैक लिया और आप ही के लिए बनाए ये सारे कोर्सेस. तो मुझे क्लियरली पता है कितने बच्चे दोबारा लेते हैं. आप में यहाँ पे बहुत सारे यूट्यूब वाले बच्चों ने दोबारा लिया होगा, मुझे पता है इस बारे में. जो जिन्होंने भी लिया है यस मानना बहुत जोर से चैट पे भी, ताकि सब लोग देख पाए, है ना ठीक है. तो अब आपको मैं बताना हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी तबाही मैथ. क्या तबाही मैथ है ये? कि भाई साहब ज्यादा सेशन और कम पैसे कैसे? मान लेते हैं कि भाई आप लेते हो एक दिन में 8 क्लास. 8 क्लास इज एन एवरेज नंबर ऑफ क्लासेस टेकन बाय स्टूडेंट्स इन अवर सेशन. 8 क्लास लेते हो और इन 6 डेज, 6 दिन पढ़ोगे 7 दिन छुट्टी, तो 8 6 48 क्लासेस इन अ वीक. इसको कर देते हैं राउंड ऑफ 50 क्लासेस इन अ वीक कर देते हैं. अगर मैंने इसको 1 महीने के लिए चलाया, 1 महीने के लिए किया, यानी कि 4 वीक्स होते एक महीने में, तो 50 × 4 200 क्लासेस इन अ मंथ. तो इस पैसे को 200 से डिवाइड करो, पर क्लास कॉस्ट मिल जाएगा आपको. 3 महीने में 600 क्लासेस हो जाएंगे, 6 महीने में 1200 क्लासेस. कितने पैसे आगे? पर क्लास ₹11, पर क्लास ₹9 3 महीने के लिए, पर क्लास ₹8 6 महीने के लिए. और यहां पर जितने क्लासेस बढ़ाओगे उतने कम पैसे होते जाएंगे आपके, क्योंकि आपके पास तो अनलिमिटेड का ऑप्शन है. और अभी तो मैंने डाउट सॉल्विंग, नोट्स, यू नो पर्सनलाइज अटेंशन, परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स, माइक्रो कोर्सेज जो 5000 से ऊपर फ्री है आपके लिए, क्रैश कोर्सेज सबकी बात ही नहीं की, सिर्फ लाइव क्लास की बात कर रहा हूँ. पूरा पैसा वसूल है. एंड आई कैन प्राउडली से दैट दिस क्वालिटी एजुकेशन बाय द फाइनेस्ट टीचर्स ऑफ द कंट्री इज लेसर देन लेस पैकेट. तो अभी कभी जाओ इन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, ज्वाइन द कोर्स एज मच एज पॉसिबल. ठीक है बच्चों, so make sure that you do it and let me know if in case you are doing it. मैं आपको एंड में ईमेल आईडी दिखाऊंगा अपना और मुझे बताना कि मजा आया कि नहीं. ठीक है चलो अब आगे बढ़ते हैं. अब हम बात करेंगे सेक्शन बी 2 मार्क्स की. सिर्फ 2 ही सवाल है, बहुत ही इजी सवाल है ये. देखो यहाँ पे कितना इजी सवाल, ये प्रिज्म को देखते समझ में आता है बहुत इजी सवाल है. अ स्टूडेंट ऑब्जर्व्स द अबव फिनोमेना. अभी तो कितने मार्क्स मिल गए एक बेटा? अब तो कितने मार्क्स मिल गए आपको? 14 मार्क्स मिल गए ना? 16 कितने मार्क्स मिले? 14 मार्क्स मिले ना? 12 + 2 = 14 यार याद नहीं रहा मेरे को कितने. 14 मार्क्स, हाँ 14 मार्क्स हुए ना, हाँ ठीक है 14 मार्क्स हुए ना ठीक है. आप देखते हैं आगे. अ स्टूडेंट ऑब्जर्व द अबव फिनोमिना इन द लैब एज शोन एज अ व्हाइट लाइट पास थ्रू द प्रिज्म. अमंग मेनी अदर कलर्स ही ऑब्जर्व द पोजीशन ऑफ द टू कलर्स रेड एंड वायलेट. व्हाट इज द फिनोमिना कॉल्ड?
डिस्पर्शन, बस द फिनोमिना इज कॉल्ड एज डिस्पर्शन ऑफ लाइट, खत्म, एक मार्क मिल गया आपको, दिस इज वन मार्क हियर. दूसरा, व्हाट इज द रीजन फॉर द वायलेट लाइट टू बेंड मोर देन द रेड लाइट. सुपर सिंपल क्वेश्चन अगेन, क्या रीजन है भाई. वायलेट लाइट हैज लेसर वेवलेंथ एज कंपेयर टू रेड, हेंस इट हैज लेसर स्पीड एज कंपेयर टू रेड. दो बात मिल गया आपको, देख लो ये दिया होगा, यही हमारा कहा गया. देखो यहां पे फिनोमिना इज कॉल्ड डिस्पर्शन, सही. स्पीड ऑफ वायलेट लाइट इनसाइड द प्रिज्म इज स्लोएस्ट एज द रेड इज द हाईएस्ट, हेंस डेविएशन ऑफ वायलेट लाइट इज मैक्सिमम दैट ऑफ रेड इज मिनिमम. सीबीएसई का आंसर है ये, मैंने तो वेवलेंथ भी डाल दिया था, ज्यादा इंप्रेस हो जाएगा एग्जामिनर, है ना. तो व्हाट यू आर गोना से इट, स्पीड ऑफ वायलेट लाइट इनसाइड द प्रिज्म इज स्लोएस्ट एंड द रेड इज हाईएस्ट, बिकॉज वायलेट हैज द लीस्ट वेवलेंथ एंड रेड हैज द हाईएस्ट वेवलेंथ. That's why deviation of violet light is maximum as compared to red. ठीक है, दो मार्क्स हो गया. अब आगे बढ़ते हैं. कितने मार्क्स हो गए अभी? वहां के दो मार्क्स मिल गए, 16 मार्क्स हो गया. सोलह मार्क्स हो गए. दूसरा, अ स्टूडेंट हैज टू रेजिस्टर्स, 2 ohm and 3 ohm. अच्छा, उसके पास दो रेजिस्टर है, 2 ohm का 3 ohm का. ठीक है, आगे. She has to put one of them in the place of R2. अच्छा, she has to put one of them in the place of R2 as shown in the circuit. The current that she needs in the entire circuit is exactly 9 ampere. तो यानी कि total current यहाँ पे, total current I है is equal to 9 ampere. Show by calculation which of the two resistors she should choose. लड्डू सवाल. Voltage 12 volt है. तो क्या करना है आपको? R2 का value निकालना है. और ये दोनों parallelly connected है. अगर parallelly connected है ये है, तो मेरा formula क्या होगा? 1/RP. मेरा formula हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों? 1/RP. is equal to 1/R1 plus 1/R2. क्या निकालना है? 1/R2 निकालना है मेरे को. तो 1/R2 would be equal to 1/RP minus 1/R1. सही? 1/RP कितना है? नहीं पता मुझे. टोटल पैरेलल रेजिस्टेंस मुझे नहीं पता. माइनस R1 कितना है? 4. तो मतलब अगर मैं RP निकाल दूं, मुझे R2 आ जाएगा. RP कैसे निकालूंगा? यहां से निकालूंगा. क्यों भाई? ओम्स लॉ से मैं रेजिस्टेंस निकाल सकता? ये टोटल करंट है, ये टोटल वोल्टेज है. तो टोटल रेजिस्टेंस निकाल दो फॉर्मूला से, ओम्स लॉ के. जल्दी निकालो, अभी के अभी आ जाएगा. सो वी इज इक्वल टू आई आर. आर विल बी इक्वल टू वी अपॉन आई. वी कितना है? 12. आई है 9. कितना हो जाएगा? 3 3 3 4 4/3. लिखो यहां पे. तो यहां पे आरपी के बदले 4/3 लिखो. 4/3 सॉल्व करो इसको यहां पे भी. सो 1/R2 वुड बी इक्वल टू 3/4 हो जाएगा ये, माइनस 1/4, दैट इज इक्वल टू 2/4. करेक्ट, 2/4 इज 2. यानी कि 1/RP इज इक्वल टू 1/2. सो RP इज इक्वल टू 2 ohms. यानी कि भाई हमारे बच्चे को R2 का रेजिस्टेंस 2 ohm का चूज करना चाहिए. उसके पास 2 ohm का और 3 ohm का रेजिस्टेंस का, उसे 2 ohm चूज करना चाहिए. खत्म. दो मार्क का सवाल, बहुत ही प्यारा सवाल, मुझे अच्छा लगा इस बार. इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ा आपको, बाकी कोई इसमें दिमाग लगाना ही नहीं था, तो मुझे अच्छा लगा, काफी अच्छा लगा सवाल मुझे. आई होप आपको भी अच्छा लगा तो हिट द लाइक बटन. मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल. कमेंट से बताना कि कौन सा सवाल आपको सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगे और सबसे ज्यादा इजी भी लगे. अगर सारे इजी लगे तो वही बताना मुझे. ठीक है, चलो. दो मार्क्स आपको और मिल गए, यानी कि आपको, आपके पास था कितने मार्क्स? 16 मार्क्स थे, तो इसके साथ आपको 18 मार्क्स हो गए. देखो, खत्म आपका, 18 मार्क्स हो आपका, खत्म हो गया सेक्शन बी. दो मार्क्स के सिर्फ दो ही सवाल आए, सबसे मैक्सिमम सवाल एक मार्क्स से आए भाई, देख रहे हो. चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अभी सेक्शन सी, 3 मार्क्स का, 3 मार्क्स शायद एक या दो सवाल दोबारा था. बहुत ही इजी भाई, कट इजी ये सवाल, एनसीईआरटी का सवाल है. इतना इजी सवाल, देखो इतना इजी एनसीईआरटी का सवाल. आगे देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42. 50 बार देखा होगा आपने सवाल. In which medium does the light move faster, water or diamond? Of course, water, क्योंकि उसका refractive index कम है. जिसका refractive index कम होता है उसमें speed ज़्यादा होती है light की. पता है मैं. And that is a rarer medium, जिसमें, और पता भी कि diamond denser medium, उसमें light की speed कम होगी. बताओ, कर लो बात. Second, what is the refractive index of diamond with respect to water? बस, refractive index of diamond with respect to water. तो यहाँ पे confused हो जाते बच्चे कि सर diamond को water से divide करें कि water को diamond से. ये बात मैंने आपको हमेशा बताई है, और कुछ बच्चे मुझसे पूछते भी थे सर शायद आपने गलत बताया. कभी नहीं बताया गलत बेटा. इसको ध्यान से देखा. जब भी विथ रेस्पेक्ट टू की बात आती है, विथ रेस्पेक्ट टू को मान लेना कह रहा है डिवाइडेड बाय. इसका मतलब ये है, मान लो कि विथ रेस्पेक्ट टू मतलब डिवाइडेड बाय डायमंड डिवाइडेड बाय वॉटर. डायमंड डिवाइडेड बाय वॉटर, बस इतना ही. डायमंड कितना है? 2.42.
वाटर कितना है 1.33, कितना आ जाएगा समर अबाउट 1.8 समथिंग, है ना 1.8 आना चाहिए, देख लेते हैं, हाँ 1.82 आया अप्रोक्सीमेटली, देखो ठीक है, कितना इजी सवाल है भाई, एनसीईआरटी का सवाल, और इतना तो लिखना नहीं है आपको, इतना नहीं लिखना, इतना लिखने की जरूरत नहीं, सीबीएसई दिया इतना नहीं लिखना, जरूरत ही नहीं है, बस इन विच मीडियम डज द लाइट मूव फास्टर, इन डायमंड, since its refractive index is in water, since its refractive index is lesser than diamond, it is a lesser denser medium as compared to the diamond. खत्म, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अभी हमारे, अरे एक ही क्वेश्चन था 3 marks का, कर लो बात, यानी कि 21 marks हो गए आपके लिए, 3 mark का एक ही सवाल था, 5 mark का भी एक ही सवाल है आपका, लेकिन और में है 2 सवाल, इसलिए दोनों करवा देता हूं आपको, क्यों छोड़ना, ठीक है, पहला सवाल ये था बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल, इन द गिवन सर्किट ए बी सी एंड डी, इन द गिवन सर्किट ए बी सी एंड डी देयर आर 4 lamps कनेक्टेड टू द बैटरी ऑफ 60 volt, ठीक है, टोटल वोल्टेज यहां पे 60 voltage है, और एक और चीज नोटिस करने की बात है कि सारे लैंप्स को पैरेलल में कनेक्ट किया गया है, यानी कि पैरेलल कनेक्शन ही है, नोटिस कर लेते डायग्राम को देखिए, जितना चीज हम ले सकते हैं ले लेते हैं दिमाग में, ये पैरेलल कनेक्शन है, 60 volts टोटल वोल्टेज है, पैरेलल कनेक्शन है तो हर एक में वोल्टेज सेम रहेगा, ठीक है, Analyze the circuit to answer the following questions, ठीक है, what kind of combination are the lamps arranged in, भाई ऑलरेडी निकाल दिया हमने, भाई आप लोग तो गॉड लेवल हो, आप लोग तो महान हो, ऑलरेडी निकाल दिया आंसर इसका, पैरेलल कनेक्शन, सही बात हो गया, खत्म, 1 mark मिल गया आपको, यहाँ पे 1 mark मिल गया, 5 सवाल 1 mark मिल गया, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू योर अबोव आंसर वॉट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन्स, एनी टू, यानी कि 2 mark सवाल है, दो एडवांटेज बताओ पैरेलल कनेक्शन के, क्या क्या भाई, पैरेलल कनेक्शन का एडवांटेज सबसे पहला है कि वोल्टेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट, सो ऑल ऑफ द डिवाइसेस विल बी वर्किंग ऑन द सेम वोल्टेज, दूसरा एडवांटेज कि इफ वन ऑफ द अप्लायंसेस गेट्स डिफेक्टेड द अदर अप्लायंसेस आर नॉट गोइंग टू बी अफेक्टेड, तीसरा इफ आई कैन इंडिविजुअली मॉडरेट और स्विच ऑन और स्विच ऑफ द डिवाइसेस, 3 बता दी मैंने, ठीक है, अब आगे एक्सप्लेन विद प्रॉपर कैलकुलेशन विच लैम्प ग्लोज द ब्राइटेस्ट, ये सवाल, ये सवाल काफी इंटरेस्टिंग है, कैसे करेंगे हम, कैसे करेंगे, कौन सा डिवाइस सबसे ज्यादा ग्लो करेगा, भाई वही डिवाइस सबसे ज्यादा ग्लो करेगा जिसका पावर सबसे ज्यादा होगा, अब कहते हो ना सर भैया दुकान में जाके कहते हो भैया 100 वॉट का बल्ब देना ज्यादा ब्राइट होगा, 100 वॉट कहते हो ना आप, वॉट पावर होता है, करेक्ट, तो यही कहते हो दुकान में जाके, तो वैसे जिस बल्ब का पावर सबसे ज्यादा होगा वही सबसे ज्यादा ग्लो करेगा, ठीक है, पावर का फॉर्मूला होता है क्या, वी इंटू आई, वोल्टेज सबके लिए सेम है, करंट इंडिविजुअली का दिया हुआ है, तो यानी कि वोल्टेज कांस्टेंट है तो मतलब जिसका पावर करंट ज्यादा होगा उसका पावर ज्यादा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना, 3 एम्पियर 4 एम्पियर 5 एम्पियर 3 एम्पियर, भाई सी लैंप का करंट सबसे ज्यादा है तो उसका पावर भी सबसे ज्यादा होगा, सो दैट विल हैव द मैक्सिमम ग्लो, लेकिन यहां पे बोला गया एक्सप्लेन विद प्रॉपर कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा आपको, ठीक है, सो पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इज 60 इंटू 5 एम्पियर, द आंसर कम्स आउट टू बी 6530 300 watts, सबका निकाल दो, इसका कितना आएगा, इसका आएगा 60 into 3 180 watts, इसका आएगा 60 into 4 240 watts, इसका आएगा डी 60 into 3 अगेन 180 watts, तो 300 watts सबसे ज्यादा, सही देखो 300 watts, करेक्ट, बिल्कुल सही, मैक्सिमम करेक्ट, थर्ड भी हो गया, फोर्थ फाइंड आउट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, लो कर लो बात, वोल्टेज दिया हुआ है 60 volt, टोटल करंट कितना निकलेगा, टोटल करंट देखो हर एक का करंट दिया हुआ है और पैरेलल सर्किट में करंट बढ़ जाती है ना, बटा हुआ दिया हुआ है सबको ऐड कर दो टोटल करंट आ जाएगा 3 + 4 + 5 + 3 कितना 3 + 4 = 7 7 + 5 = 12 12 + 3 = 15 amperes, करंट इज इक्वल टू 15 amperes, निकालो टोटल रेजिस्टेंस, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, ओम्स लॉ, वी 60 आई इज 15 4 ohms, खत्म, 5 marks, कितना वक्त लगा मुझे, मैंने 10:50 मैंने अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात के वक्त 10:53 हो रही है एंड आई कैन सी 3 मिनट लगे मुझे 5 मार्क सवाल करने के लिए 10:56 में कर दे, आप लोग तो मुझसे भी तेज हो, आप लोग इससे भी जल्दी कर लोगे, आखिरी सवाल आज का बच्चों, आखिरी सवाल आज का, बहुत ये सवाल मुझे बहुत प्यारा लगा यार, ये दिस इज माई फेवरेट क्वेश्चन इन द एंटायर सेशन, फेवरेट क्वेश्चन, देखो ध्यान से, PQ इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन द प्लेन ऑफ पेपर एज शोन इन द फिगर बिलो, बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन, देखो बहुत एप्लीकेशन बेस्ड है, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इट एट पॉइंट्स आर एंड एस, पॉइंट आर और पॉइंट एस में इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग, यहां पे आपको करने पे मजबूर करेगा ये, दैट्स अ गुड क्वेश्चन,
कंडक्टर पे करंट ऊपर की तरफ जा रही है, तो भाई स्टेट कंडक्टर कंडक्टर है, तो डायरेक्शन कैसे निकलेगा मैग्नेटिक फील्ड का? राइट हैंड थंब रूल, मैक्सवेल। करंट ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रही है। अब देखो, अब मैं फिंगर्स को घुमाऊंगा और फिंगर्स जिस डायरेक्शन में घूमेगी वो मेरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो आर और एस पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पूछ रहा है। तो देखो इस जगह पे आर में, आर के जगह पे मेरी मैग्नेटिक फील्ड स्क्रीन के अंदर जा रही है, ये लिख रहा है। एट पॉइंट आर द मैग्नेटिक फील्ड लुक्स लाइक इट्स गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ योर पेपर और इनटू द प्लेन ऑफ माय स्क्रीन। जैसा भी मैं कहना चाहता हूं आपके लिए, आप पेपर में लिखोगे इट्स गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। एंड एट पॉइंट एस इट लुक्स लाइक दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर। खत्म, एक मार्क, कितना इजी। दूसरा, गिवन आर वन ग्रेटर देन आर टू, हाँ ये डिस्टेंस मेरे इससे ज्यादा है, ठीक है, वेयर विल द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी लार्जर? ऑफ कोर्स आर टू, जितना नजदीक होगा कंडक्टर से उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। खत्म, खत्म, कहां पे होगा? एस पे। दूसरा, इफ द पोलैरिटी ऑफ द बैटरी कनेक्टेड टू द वायर इज रिवर्स्ड, हाउ वुड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी चेंज्ड? दैट विल आल्सो बी रिवर्स्ड। नाउ इट इज मूविंग एंटी क्लॉकवाइज बिकॉज कंडक्टर ऊपर है और ऐसे घूम रही है अभी मैग्नेटिक फील्ड ना, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, नाउ अभी ऐसे घूम रही है, पोलैरिटी बदल जाएगी तो आपका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा। ये तो अरेस्टेड ने कह दिया था भाई स्टार्टिंग में, करंट का डायरेक्शन बदले तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी बदल जाएगा। एक मान तुम्हारा, एक्सप्लेन द रूल दैट इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ये होगा आपका दो मार्क्स का सवाल। द रूल इज मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, एंड मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल स्टेट्स दैट करंट, राइट हैंड थंब रूल स्टेट्स दैट द थंब, इफ you extend your thumb in the direction of the current, then the way the fingers curl around the conductor will give you the direction of the magnetic field. Ho gaya bachcho, pura ka pura sample paper complete yaar, itna zyada easy sample paper hai, main kya hi batau, matlab confidence aapko badh gaya hoga mere khayal se ye dekh kar. To bilkul chinta mat karna, har ek subject ke liye ye aane wala aisa ek video, aur aapko pura help kar denge hum jitna bhi ho sake hamari taraf se, kyunki bhai hum hain kyunki aap log ho, aap log nahi ho to hum nahi hain, है ना, आपके लिए ही चैनल भी है, आप ही लोगों ने चैनल बनाया भी है, जो ये 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स आपको दिख रहे हैं वो आप ही लोगों, है ना, तो फैमिली में भाई मेजोरिटी आप ही लोग, तो आपके लिए ये हुआ है। तो आई एम रियली होपिंग कि दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। इफ इन केस इट वाज, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, डू लेट मी नो कि हाउ मच यू लव टुडेस सेशन एंड हाउ मच यू अप्रिशिएट दिस सेशन बीइंग यूजफुल टू ऑल ऑफ यू गाइस, एंड लेट मी नो इफ इन केस यू हैव एनी डाउट्स फ्रॉम टुडेस टॉपिक एज वेल। और मैं आपको जाने से पहले एक चीज बता दूंगा जो मैंने आपको शायद स्टार्टिंग में बताई थी कि मैं आपको जरूर बताऊंगा कि कैसे अटेंड करना है और कैसे हमारे वीडियोज देख लेने हैं। जो बच्चे नए हैं हमारे सेशन में ना, उनके लिए मैं स्पेशली दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं क्या करूंगा, मैं यूट्यूब पे जाता हूँ, ठीक है, क्या हो गया, इंटरनेट नहीं है, है? इंटरनेट को क्या हो गया, एक मिनट बच, ओके, इट लुक्स लाइक कि इंटरनेट नहीं है, बट मैं कोशिश करता हूं इंटरनेट लाने की, चिंता मत करो। ओ मेरे ख्याल से प्लग निकल गया, एक मिनट बच, हाँ अब आ जाएगा इंटरनेट एक मिनट में, ठीक है, चिंता मत करो, मैं आपको दिखा के जाऊंगा, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं कि एग्जैक्टली कैसे आपको हमारे चैनल पे सारे के सारे प्लेलिस्ट और सारी सारी वीडियोस मिल जाएंगे। मैं बता देता हूं आपको जल्दी से, इंटरनेट ऑन हो रहा है, मैं एक बार खोल देता हूं, गिव मी अ सेकंड, ठीक है, जैसे इंटरनेट मिल जाएगी वो लोड हो जाएगा, अब हो रहा होगा लोड। आ जा भाई, जल्दी आ जा भाई, खुल रहा आ जा, जल्दी आ जा ग्रीन लाइट हो जा, हाँ खुल गया, ठीक है। तो देख रहे हो आप, ये 9th and 10th का चैनल है। तो करना क्या आपको, आपको हमारे चैनल के होम पेज पे जाना है, ठीक है, आपको हमारे चैनल के होम पेज पे जाना है। मैं चला जाता हूं, ठीक है, जैसे आप लोग आओगे हमारे चैनल में आपको ये दिखेगा, ठीक है। तो यहां पे आपको कहां जाना है, यहां पे आप जा सकते हो हमारे प्लेलिस्ट पे, प्लेलिस्ट सेक्शन में चले जाना, और प्लेलिस्ट के सेक्शन में आपको हर एक वीडियो मिल जाएगी। देखो सीबीएसई क्लास 10 सैम्पल पेपर पैटर्न एंड सॉल्यूशन आ गया, टॉप स्टडी स्ट्रेटजीज, वीआईपी सीरीज चल रहा है मेरी सीबीएसई 10 का ब्रिज कोर्स, आईसीसी का प्लेलिस्ट चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, जो भी आपको देखना है। हमारा डिकोडिंग फिजिक्स भी चल रहा है, क्लोजअप विद अभिषेक सर भी चल रहा है, अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखना।
आईसी 10 की सारी प्लेलिस्ट है, सीबीसी 9 का सारा प्लेलिस्ट है, सीबीसी 10 फिजिक्स का पूरा प्लेलिस्ट है, देख सकते हो आप। वीआईपी सीरीज, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सीरीज है ये। इलेक्ट्रिसिटी का प्लेलिस्ट, इलेक्ट्रिसिटी पिछले साल का प्लेलिस्ट, 2019 का प्लेलिस्ट है ये, 2020 का प्लेलिस्ट है ये, इलेक्ट्रिसिटी का एनसीईआरटी सॉल्यूशन का प्लेलिस्ट है ये, लाइट का प्लेलिस्ट है, और बहुत सारे देखो सारे चैप्टर्स हैं। आपके रे डायग्राम्स का प्लेलिस्ट अलग से है, ह्यूमन आई का प्लेलिस्ट है, डिफेक्ट्स है, और मैग्नेटिक इफेक्ट्स में अभी करवा रहा हूँ, मैग्नेटिक इफेक्ट्स का प्लेलिस्ट भी अलग से दिया हुआ है मैंने, डोंट वरी अबाउट दैट। केमिस्ट्री है सीबीसी 10 का, वैसे बायोलॉजी का भी रेडी है, हर एक आपको वीडियो यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। वरना क्या करना, सीधा यहाँ पे सर्च मार देना। क्या सर्च करोगे? कोई भी टॉपिक का नाम ले लो सीबीसी 10 से रिलेटेड, और सामने वेदांतु 9th एंड 10th, या तो उस टीचर का नाम ले लो, अभिषेक सर, हर्ष सर, अनुभा मैम, जिस किसका भी नाम ले लो, वो वीडियो मिल जाएगा यूट्यूब पे, ठीक है पीपल, दैट इज ऑल यू हैव टू डू। कूल, सब्सक्राइब कैसे करनी है? सब्सक्राइब करना पता ही होगा आपको कैसे करना है। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच पीपल, आई होप ऑलवेज एंजॉय टुडेस सेशन। इफ इन केस यू गाइस डिड, डू नॉट फॉरगेट टू लीव अस अ लाइक, एंड लेट मी नो इफ इन केस यू एंजॉय दिस सेशन और नॉट टुडे। डू नॉट फॉरगेट टू गो इनटू द डिस्क्रिप्शंस बिलो एंड चेक आउट द अमेजिंग कोर्सेस, अमेजिंग सब्सक्रिप्शन, वेदांत प्रो सब्सक्रिप्शन, माय कूपन कोड इज AK PRO। सो शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन, लेट्स हेल्प ऑल द सीबीसी 10 स्टूडेंट्स आउट देयर, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ इन केस यू हैवंट। ऑल द बेस्ट, टेंशन बिल्कुल मत लेना, कभी भी टेंशन हो ईमेल कर देना मुझे, रिप्लाई कर दूंगा मैं, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर पीपल, अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, दिस इज अभिषेक साइनिंग ऑफ, एंजॉय योर लाइफ, पीस।